बच्चों, वेलकम टू एडू फेवर स्कूल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी वर्कशीट। वर्कशीट है आज का क्लास फोर्थ के बच्चों के लिए। तो आज मैं जो वर्कशीट है वो समझाने वाली हूँ। अभी पहला वर्कशीट मैं आपको दे रही हूँ। बाकी अगर आपको और भी वर्कशीट डाउनलोड करना हो तो आप एडू फेवर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि हमारी आगे की वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहें। चलिए देखते हैं वर्कशीट में आज क्या है और किस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहला है प्रश्न 1। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। कुछ यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए हैं जिनके आपको उत्तर बताने हैं। तो चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। क्या है प्रश्न? धनी का क्या काम था? जो आपका हिंदी में आपने चैप्टर पढ़ा है स्वतंत्रता की ओर, उस वाले चैप्टर में एक धनी नाम का बच्चा रहता है। उसका क्या काम रहता है, जल्दी बताइए। क्या काम रहता है? बकरी की देखभाल करना। कौन सी बकरी की? बिन्नी नाम की बकरी की। तो क्या लिखेंगे हम? धनी का काम था। तो यहाँ लिखना है आपको धनी का काम था क्या? बिन्नी नाम की बकरी की देखभाल करना। तो क्या आंसर होगा? बिन्नी का क्या काम था? धनी का काम था बिन्नी नाम की बकरी की देखभाल करना। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ख है हुदहुदो के सरदार ने राजा से क्या वरदान मांगा? हुदहुद चिड़िया के बारे में आपने पढ़ा है ना। तो जब हुदहुद जो है उस सरदार यानी कि जो राजा महाराज रहते हैं उनकी जब हेल्प करती है हुदहुद, तो बाद में कहते हैं वो बादशाह कि आपको क्या वरदान मांगना है। तो हुदहुद चिड़िया जो है वो क्या वरदान मांगती है? सिर पे सोने का ताज। तो क्या है, हुदहुद ने क्या वरदान मांगा? सिर पर ताज होने का। तो लिखते हैं हुदहुदो के सरदार ने सिर पर क्या मांगा? सोने का ताज, सोने का ताज का वरदान मांगा, का वरदान मांगा। इस तरीके से आप भी ये क्वेश्चन और आंसर नोट डाउन कर लीजिए। आगे है प्रश्न ग, हुदहुद के शरीर का रंग कैसा होता है? क्या पढ़ा आपने? हुदहुद का जो शरीर होता है वो कैसा होता है? रंग बिरंगा और चटकीला, खूबसूरत सा होता है। तो क्या लिखना है, हुदहुद के शरीर का रंग कैसा होता है? तो चलिए लिखते हैं, हुदहुद के शरीर का रंग रंग बिरंगा और चटकीला होता है। आगे है प्रश्न घ, हुदहुद के और क्या क्या नाम होते हैं? हुदहुद के और क्या क्या नाम उसमें बताया गया है? एक बताया गया है पदुब्या। पदुब्या नाम उसका क्यों है? क्योंकि वो दूब यानी कि जो घास होता है, घास से कीड़े मकोड़े को जल्दी से चुन करके और खा जाती है। और दूसरा नाम है हजामिन चिड़िया। हजामिन चिड़िया क्यों पड़ा है नाम? क्योंकि उसके नाखून जो होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, और जो हजामन का नाखून काटने वाला होता है नेल कटर, बिल्कुल उसके जैसा उसका नाखून होता है, इसलिए उसका नाम हजामिन चिड़िया पड़ा। तो हुदहुद का और क्या क्या नाम है, क्या लिखेंगे? हुदहुद का
प दुब्या और क्या है हजामिन हजामिन चिड़िया। ठीक है, इस तरीके से हुदहुद के और क्या क्या नाम है, पदुब्या और हजामिन चिड़िया। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था सबको पता है, आप भी बताइए कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। तो लिखेंगे महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर जो है जगह का नाम है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न दो है आपका, सही बर्तनी पर गोला लगाओ। सही बर्तनी कौन सा है, इसमें दो शब्द लिखे हुए हैं, दोनों शब्द में कौन सा सही है? एक लिखा है स्वतंत्रता और दूसरा है स्वतंत्रता, तो कौन सा सही होगा? स्वतंत्रता। तो इस पे क्या लगाना है, हमें गोला लगाना है। आगे फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, आश्रम, आश्रम क्या ये सही है या आश्रम? क्या बोलते हो आप, आश्रम या आश्रम? आश्रम, तो आश्रम जो है वो सही होगा, तो इस पे हम गोला लगाएंगे। चलो आगे है गांधी और अगला है गांधी, तो कौन सा सही होगा? गांधी। तो गांधी पे क्या हम करेंगे, इस तरीके से गोला लगाएंगे। आगे है इस्तेमाल और दूसरा है इस्तेमाल, तो कौन सा सही होगा, इस्तेमाल या इस्तेमाल? इस्तेमाल, तो इस्तेमाल को हम इस तरीके से गोला लगाएंगे। और प्रश्न दो हमारा पूरा हो गया, अब देखते हैं प्रश्न तीन, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखे। विलोम यानी उल्टा, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द। तो चलिए जल्दी से बताइए, जीवित, जीवित का क्या होगा? मृत यानी मरा हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जीवित का मृत। आगे है दुबला, दुबला पतला है तो उसको क्या कहेंगे, विलोम शब्द, उल्टा क्या होगा, मोटा, तो दुबला का क्या होगा, मोटा। आगे कोमल, कोई फूल जो है वो कोमल होता है, तो अगला क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, कठोर, कोमल का क्या होगा, कठोर, तो यहाँ लिखेंगे कठोर। पसंद, कोई चीज़ हमें पसंद आती है और कोई चीज़ हमें ना पसंद होती है, तो क्या होगा पसंद का विलोम, ना पसंद, क्या होगा, ना पसंद। इस तरीके से प्रश्न तीन विलोम शब्द हमने पूरा किया, आप भी कीजिए। प्रश्न चार है, निम्न के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। पर्यायवाची यानी कि सेम अर्थ वाले, जिसका अर्थ जो है वो सेम होता है। तो पर्यायवाची कौन है, बादल, बादल को और क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं आप जल्दी बताइए, बादल को हम कहते हैं मेघ और घन, मेघ और घन। इसी तरीके से नदी को क्या कहते हैं, तटिनी, सरिता, तो लिखते हैं नदी का क्या होगा, तटिनी और सरिता। आगे है संसार, क्या है संसार, संसार को क्या कहते हैं हम, जग या फिर विश्व, जग और पूरा विश्व, संसार, जग या पूरा विश्व। आगे है
धरती। धरती को क्या क्या कहते हैं? पृथ्वी, पृथ्वी और धरा या भूमि। इस तरीके से पर्यायवाची शब्द को आपको कंप्लीट करना है। आगे है प्रश्न 5। 5 क्रिया शब्द लिखें। क्रिया क्या होता है? जो हम काम करते हैं। जैसे अभी हम लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं। बोलना, बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं। दौड़ना, खेलना, जो भी हम काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया। तो आपको क्या लिखना है? इसमें क्रिया शब्द लिखना है। चलिए लिखते हैं। पढ़ना और क्या क्या करना है? लिखना, सोना, दौड़ना या खाना, ये सारे क्या हैं? क्रिया हैं। इसके अलावा अगर और भी ज़्यादा लिखने को मिले तो आप इसी तरीके से जो भी काम करते हैं वो आप लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न 6। निम्न प्रश्न शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य क्या होता है? वो शब्द जब हम पूरा लाइन बोलते हैं तो वो शब्द उस वाक्य में आना चाहिए। तो हमें कौन से शब्द से बनाना है? चरखा। क्या बनाएंगे? मेरी माँ चरखा से सूत काटती है या महात्मा गांधी चरखा चलाते थे। तो चलिए लिखते हैं। गांधी जी चरखा से सूत, सूत यानी धागा, धागा बनाते थे, सूत काटते थे, सूत काटते थे। आश्रम, ऋषि मुनि कहाँ रहते हैं? आश्रम में। तो हम लिख सकते हैं ऋषि, ऋषि मुनि आश्रम में रहते हैं। आगे है प्रश्न 7। निम्न मुहावरों का अर्थ लिखे। यहाँ पे कुछ मुहावरे, दो मुहावरे दिए हुए हैं, इनका आपको अर्थ बताना है। आंखें दिखाना, क्या करना? आंखें दिखाना यानी गुस्सा करना। आंखें दिखाना गुस्सा करना। आगे है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना क्या पढ़ा है? भाग जाना। 9-2-11 होना भाग जाना। आगे प्रश्न 8 है आपका। 5 पंछियों के नाम लिखे। 5 पंछी कौन कौन से हैं? सारे पंछियों के आपको नाम बताने हैं। चलिए हम लिखते हैं। कौवा, और कौन से पंछी होते हैं? कबूतर और मोर, बत्तख और तोता। इस तरीके से प्रश्न 8 तक आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और ये हिंदी का वर्कशीट भी आप कंप्लीट कर लीजिए। इसी तरीके से अगर वर्कशीट, क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, ये सारी चीज़ें अगर डाउनलोड करनी हो तो एडुफेवर स्कूल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।